हेलो फ्रेंड्स, एसके फैशन डिज़ाइनर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आपके काम आने वाला है। छोटी छोटी कतरन को यूज़ करके आज हम क्या बनाने वाले हैं आप देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। जैसे मैं कोई सूट स्टिच करती हूँ उसमें से थोड़ा बहुत जैसे हमारे कतरन बच जाती हैं, छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं, तो उनका यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें जो है घर के लिए बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के कपड़े जो है मेरे पास पड़े हैं, इनका यूज़ करके, और ये वाला भी यूज़ करूँगी, ये जो देखिए ऑरेंज वाला है तो इसको भी यूज़ करूँगी। तो देखिए, मैंने मेरे पास एक फोम पड़ी थी उसको मैंने ले लिया और नीचे जो है लाइनिंग का कपड़ा रखा है। नीचे वाली साइड पे कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। आप देखिए हमने छोटी छोटी पट्टियों को कैसे जोड़ना है। तो मैंने 2 इंच चौड़ी ये पट्टी कट की है, एक पट्टी मैंने देखिए लगा ली है। आप देखो किस तरह से हमने पट्टियों को जोड़ना है। आप दूसरी पट्टी लेंगे और इसको देखिए उल्टा करके रखेंगे और इसको ये देखिए इस तरह से जोड़ेंगे। पट्टी को मैंने उल्टा करके रखा है। जितनी लंबी है मेरे पास फोम है, फोम का पीस पड़ा हुआ था मेरे पास और उसी का मैंने यूज़ किया है। कोई जैसे बची हुई फोम होती है ना, वो वाली मैंने यूज़ की है। आप देखिए इस तरह से करते हुए यहाँ पर हमने पिन लगा लेनी है। पिन लगाते जाएंगे और अगली पट्टी को लगाते जाएंगे, इस तरह से अच्छे से सेट करके फिर अगली पट्टी रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के चीज़ें जो है काफ़ी सारी मैं अपने दूसरे चैनल पे डालती हूँ, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैं बनाना बताती हूँ। पैच वर्क हो गया और पुरानी कपड़ों को यूज़ करने का काफ़ी सारे तरीके जो हैं मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। तो ये आपके वीडियो जो है आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो देखिए इस तरह से ही हमने सारी पट्टियों को अटैच कर लेना है। तो देखिए जो छोटी छोटी कतरन होती हैं, जो हमारे पास पड़ी होती है ना छोटी छोटी कतरन, तो वो भी बहुत ही काम की होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है हम उनके साथ बना सकते हैं। तो देखिए पहले जितना भी मेरा ये पीस है ना फोम का, इसको सारा मैं इसी तरह से भर लूँगी। एक पट्टी मैंने ये ग्रीन वाली और एक ऑरेंज वाली, 2 पट्टियों का यूज़ किया है। आप देखिए पूरा मैंने इसको भर लिया है। पिंस लगाई थी ना यहाँ पे, इनको निकाल लेती हूँ। अब जो साइड से आपको एक्स्ट्रा ये दिख रही है ना पट्टी वगैरह, इनको हम अच्छे से बराबर करके कट कर लेंगे दोनों साइड से। आप देखिए नीचे वाली साइड पे कपड़ा रख के ना, यहाँ पे मैंने नीचे वाली साइड पे कपड़ा अटैच कर लिया नीचे वाली साइड पर। आप देखिए आगे हमने क्या करना है, नीचे फोम रखी है और नीचे इसके नीचे जो है लाइनिंग वाला कपड़ा रखा है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर है, पैच वर्क करना मैंने सिखाया है। तो ये मेरा दूसरे चैनल पे जाकर आप ज़रूर देखिएगा। अब बीच में मैंने फोम रखी है जो कि वाटरप्रूफ एक फोम होती है ना, वो वाली का यूज़ किया है मैंने, और नीचे जो है लाइनिंग का कपड़ा रखा है। तो यहाँ पे ये जो फोम होती है ना, ये हल्की सी मोटी होती है, धीरे धीरे करके आपने मशीन चलानी है। और सुई जो है मैंने 18 नंबर की यूज़ की है। तो चारों साइड से पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ। जो हमारा ये ऊपर वाला कपड़ा फोम और नीचे लाइनिंग वाला, इनको तीनों को हमने आपस में अटैच कर लेना है। तो चारों साइड से सिलाई लगाते हुए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने इस पर क्या करना है। तो देखिए लाइनिंग वाला कपड़ा और फोम और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है। अब जो ये हमने ऊपर पैच लगाया है ना, इसको यहाँ से ये देखिए फिनिशिंग करने के लिए हमने एक पट्टी लेनी है। पट्टी को उल्टा करके रखना है और इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे एक साइड पे। और जो भी आपके पास बचे हुए कपड़े पड़े हैं, कोई कतरन पड़ी है, उनका यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पैच बनाने के लिए मैंने 2 कलर का यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 कलर का यूज़ करो, जितने भी कलर आपके पास पड़े हैं ना उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और कलरफुल सा टेबल मैट जो है हम ये बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, पट्टी मैंने जोड़ ली है। अब यहाँ से ऊपर वाली साइड से ना हमने एक सिलाई लगा देनी है। पट्टी को हाथ से अच्छे से सेट कर लेना है ताकि इसमें कोई खिंचाव या कोई झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम ये टेबल मैट जो है बनाने वाले हैं। तो इस तरह के टेबल मैट जो हैं आप डाइनिंग टेबल के लिए बना सकते हैं,
फ्लोर मैट बना सकते हैं और जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे कोई क्विल्ट भी बना सकते हैं, छोटी छोटी कतरन को जोड़ के, पुराने कपड़ों को जोड़ के, तो क्विल्ट बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप बना सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी पट्टी अटैच कर लेती हूँ। अब देखिए बिल्कुल किनारे पे भी हमने एक पट्टी अटैच कर लेनी है। दोनों साइड पे हमने अटैच कर ली है। अब इस साइड पे भी ये देखिए इस तरह से रखते हुए हमने, धागे वगैरह इसके बहुत निकल रहे हैं तो धागे मैंने कट कर लिए, और ये देखो इस तरह से रखूँगी। यहाँ पे रखते हुए हमने पट्टी को स्टिच करना है और दूसरी साइड को ऐसे मोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से पट्टी को इस साइड पे भी मैंने जोड़ लिया है। अब सीधा करते हुए ऐसे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी पट्टी को अटैच कर लूँगी। तो देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है, और जो हमारे पास छोटे छोटे कपड़े कतरन पड़ी थी ना, जिनको कि हम वेस्ट समझते हैं, वो भी हमारे काम आ गई। ये देखो इस तरह से बैक साइड से, और ये है इसका फ्रंट साइड का लुक। अब देखिए चारों साइड पे पट्टी लगा के हमने इसकी फिनिशिंग करनी है। तो ये मेरी एक साड़ी का बॉर्डर है, इसका यूज़ करूँगी मैं। यहाँ पे उल्टी साइड से रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से पट्टी को मैंने अटैच कर लिया उल्टी वाली साइड से। अब सीधी वाली साइड को टर्न करते हुए हमने इस पे ऊपर से टॉप स्टिच लगाना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से चारों साइड पे हमने पट्टी लगानी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि हर किसी को किसी के काम आ सके, क्योंकि हर किसी के पास पुराने कपड़े और वेस्ट कपड़े तो हर घर में होते हैं, तो उनका यूज़ करके हर कोई जो है अपने घर के लिए प्यारी प्यारी चीज़ें जो है बना सकता है। अगर थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है ना, तो बस बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है। कई बार हमारे पास काफ़ी सारे कपड़े पड़े रहते हैं, पुराने कपड़े पड़े रहते हैं जो कि पहनने लायक नहीं होते, तो उनका यूज़ करके हम घर के लिए काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे बेडशीट बना सकते हैं, बेड रनर बना सकते हैं, किचन मैट बना सकते हैं, टेबल मैट, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा मेरा ये मैट जो है, टेबल मैट जो है, बनके रेडी हो गया है। तो कलर भी देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारे इसके कलर लग रहे हैं। तो तीन चार कलर मैंने यूज़ किए हैं। आप चाहो तो कलरफुल सा भी इसको बना सकते हैं। जैसे बहुत सारी कतरन होती है ना छोटी छोटी, तो उनको यूज़ करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं मेरे पास, जो कि मैं दूसरे चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। तो आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक है, बहुत ही प्यारा बना है। इस तरह से कोई बड़े साइज की आप चटाई, फ्लोर मैट जो है बना सकते हैं। ये देखिए देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है ना। इस तरह से अगर आप बड़े साइज की बेडशीट बनाओगे तब भी वो देखने में बहुत ही प्यारी लगेगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस।